नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत सिंह राजपुरोहित। आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने विषय में नए आयाम स्थापित किए। कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में है आज, जिन्होंने प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 में 51वीं रैंक के साथ में अपना चयन सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में राज्य भर में 27वीं रैंक हासिल की और इसी दौरान बाड़मेर के अभ्यर्थियों को पिछले कई सालों से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं और राजनीति विज्ञान सिखा रहे हैं। ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने का आज मुझे अवसर मिला है और इनसे आज मैं आपकी तरफ से विभिन्न सारे क्वेश्चंस जो है राजनीति विज्ञान से रिलेटेड वो पूछूंगा और इन प्रश्नों के सहारे आप तक हर वो समाधान पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो आप तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत कैलाश जी आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। आज कैलाश जी, मैं आपसे बच्चों की तरफ से राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी उनकी शंकाएं हैं वो आपको पूछना चाहूँगा और उम्मीद रहेगी कि आप उन शंकाओं का अपने अनुभव के आधार पर समाधान करोगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है सर बच्चों की तरफ से, वो ये रहेगा कि बदलते पैटर्न के अनुसार, जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में जितनी भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम्स करवाए, UPSC ने एग्ज़ाम्स करवाए हैं, उनमें राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो गई है। तो इस बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चे किस तरह से राजनीति विज्ञान को तैयार करें कि एग्ज़ाम में उनको राजनीति विज्ञान में दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने विद्यार्थियों से बात करने का मौका दिया है जी। और प्रयास करूंगा मैं कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है राजनीति विज्ञान का, उसके अनुसार सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दे पाऊँ। सबसे पहली बात, वर्तमान में राजनीति विज्ञान के प्रश्नों का जो संदर्भ आ रहा है वो समसामयिकी से संबंधित आ रहा है जी। तो हमारे लिए ये जरूरी है राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए कि हम राजनीति विज्ञान का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, विशेषकर सामान्य अध्ययन के अंदर राजव्यवस्था जो आती है उसमें करंट और समसामयिकी के अंतर्गत जो घटनाएं हो रही है उनको जोड़ करके पढ़ें। जैसे संविधान संशोधन की जहां तक बात है तो अभी 103वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। हाँ जी। तो इसमें हमें ये ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कि ये जो आरक्षण जोड़ा गया है वो संविधान के कौन से अनुच्छेदों में, कौन से अनुच्छेद को प्रभावित कर रहा है, कौन से अनुच्छेद को प्रभावित कर रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की उस संविधान संशोधन पर क्या शक्ति है और भारत की न्यायपालिका उस संविधान की कहाँ तक जाँच कर सकती है और उसको कितना प्रभावित। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़ो तो उसको समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़ते हुए उसको जीवंत बना, जीवंत बना, ताकि आपका राजनीति विज्ञान एक प्रकार से अधिगम स्थायी हो जाएगा। स्थायी हो जाएगा जी सर। उसके बाद दूसरा सबसे मुख्य कॉमन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें अभी चूंकि एग्जाम की डेट आगे बढ़ चुकी है तो एग्जाम संभवतः नवंबर या फरवरी में आयोजित होगा, तो इस दौरान जो ये 4-5 महीने का समय है इस दौरान बच्चे क्या ऐसा पढ़े कि उनका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो जाए। तो आप हमें इस YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड की कुछ पुस्तक सूची अगर बता सको तो बहुत बड़ा वो होगा, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा सर जी। गणपत जी, मैं स्कूल लेक्चर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बुक्स की अगर बात करूं तो कुछ बुक्स है जो मैंने पढ़ी है वही नाम मैं सजेस्ट करूँगा। जैसे सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है तो उनके लिए BL फड़िया की बुक आती है, सरल भाषा में है और समझने में काफ़ी अच्छी है जी। और इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के लिए ओम प्रकाश गाबा सर की बुक आती है जी। तो वो भी काफ़ी सरल लैंग्वेज में और पढ़ने के लिए काफ़ी ईजी रहेगी जी। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति की बात है, तुलनात्मक राजनीति के लिए भी OP गाबा सर की बुक आती है जो फायदेमंद है और इस एग्जाम के अकॉर्डिंग है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात है तो स्कूल लेक्चर एग्जाम के अकॉर्डिंग आई थिंक पुखराज जैन सर की जो बुक है जी वो सफिशियंट है। फिर भारतीय राजव्यवस्था की बात आती है तो इसमें भारतीय राजव्यवस्था की सबसे अच्छी जो प्रमाणिक पुस्तकों में से है M. लक्ष्मीकांत
जी, वो काफी फायदेमंद राजव्यवस्था। और दूसरा, बदलते हुए पैटर्न के अंदर संविधान के अनुच्छेदों से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं जी, तो उनके लिए संविधान का जो बेयर एक्ट है जी, जो हूबहू कॉपी है संविधान की, उसे दो बार पढ़ना विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद जी। मैं यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहूंगा, अगर किसी विद्यार्थी के पास डीडी बसु या बीके शर्मा जैसी ऐसी संविधान की पुस्तकें हैं, तो क्या उनके होते हुए उनको लक्ष्मीकांत पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होगा, या फिर आप इन तीनों में से कोई एक किताब पढ़ने के लिए सजेस्ट करोगे, या आपको लगता है कि उन दोनों किताबों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जितना कि लक्ष्मीकांत का है? इन तीनों में से आपको अगर एक चुनना पड़े तो आप कौन सी किताब चुनोगे? आपने इवन कौन सी चुनी थी सर? सर, मैंने पहले डीडी बसु की पुस्तक पढ़ी, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, और उसके बाद मैंने एम लक्ष्मीकांत को चुना, क्योंकि दो कारण है इसके। एक तो इसकी भाषा शैली बहुत ही सरल है लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की, जो बहुत आसानी से समझ में आती है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि बदलते हुए पैटर्न के अंतर्गत जो नए सवाल आ रहे हैं, जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं, उसको भी एम लक्ष्मीकांत पूरा कवर करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं सलाह ये दे दूंगा अभ्यर्थियों को कि आप एम लक्ष्मीकांत को प्रेफर करें। पहले आपने अगर दूसरी किताब पढ़ भी रखी है तो अब निश्चित रूप से आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। अच्छा, मतलब एम लक्ष्मीकांत संविधान के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से पार्ट है इसमें? इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पार्ट है, तो ये सबसे जटिल पार्ट है जी। और इसका कोई दायरा नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है। और इसमें थ्योरी के लिए कुछ अच्छी बुक्स आती हैं, जैसे मैंने यू आर घई की बुक पढ़ी है, सिविल सर्विसेज के लिए आती है, बट उसमें अच्छा टॉपिक दे रखे हैं और स्कूल लेक्चर के लिए वो सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुक? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए सर सबसे मेजर जो चीज़ है वो करंट इश्यूज को कवर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 60-70% क्वेश्चन करंट इश्यूज से आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए करंट इश्यूज की एक अच्छी बुक आप पढ़ सकते हैं। और मैं जो खुद पढ़ता हूँ, प्रेफर करूंगा मैं, दृष्टि मासिक पत्रिका आती है। हाँ, दृष्टि की पत्रिका। हाँ, जिसमें जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कवर किया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझाया गया बहुत अच्छा। और कई बार वार्षिकांक भी आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के दृष्टि के, तो वो भी फायदेमंद हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा, ये किताबें व्याख्याता भर्ती के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त है। अच्छा, कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो व्याख्याता भर्ती और कॉलेज व्याख्याता भर्ती, चूंकि आपने दोनों अच्छी रैंक से पास किए हैं, तो कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो दोनों की तैयारी करना चाहे, तो आप वीडियो के माध्यम से बताइएगा कि स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम में कितना सिलेबस जो है वो अलग है, और जो पाठ्यक्रम अलग है उसके लिए कौन कौन सी अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी जी। देखिए, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसमें काफ़ी भिन्नताएं हैं। कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम का दायरा ज़्यादा बड़ा है, स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम छोटा है जी। तो जो दोनों, जो अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं की साथ में तैयारी करते हैं, पहले तो मेरी उनकी सलाह, उनको ये सलाह रहेगी कि आप स्कूल लेक्चर का जो सिलेबस है उसको टारगेट करके उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद जो अतिरिक्त टॉपिक रह जाते हैं कॉलेज लेक्चर के, दोबारा आप उनको तैयार करें दूसरी बार में। ओके। और इसमें कॉलेज लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक तो विश्व संविधान है जो स्कूल लेक्चर के अंदर नहीं। हाँ, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान। दूसरा, कुछ नए कंसेप्ट है पॉलिटी के। हाँ। वो भी आधुनिकतम जो विचार माने जाते हैं, आधुनिक विचार। हाँ, समसामयिक करंट वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं, ऐसे कुछ विचार है। और थ्योरी के और थिंकर्स के भी कुछ एडिशनल टॉपिक है जो स्कूल लेक्चर में नहीं है। तो इसके लिए कुछ और बुक्स हैं जो अभ्यर्थियों को पढ़ने की सलाह लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो वो इस वीडियो के माध्यम से या अंत में जहाँ भी पॉसिबल होगा लिस्ट एक लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब ये है कि पहले स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम आप अच्छे से पूरा कर लो जी, और उसके बाद में अगर आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है तो आप उस एक्स्ट्रा पुस्तक सूची जो है उनको तैयार कर लेंगे, तो आपका कॉलेज लेक्चर। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूँगा कि कॉलेज लेक्चर और नेट, इन दोनों के पाठ्यक्रम में कितनी भिन्नता है? नेट का पाठ्यक्रम सर, आपको जानकारी, अभी हाल ही में सिलेबस चेंज कर दिया गया जी, तो अब लगभग पाठ्यक्रम समान है। ओके। 70-80% पाठ्यक्रम समान है, मुश्किल से 20% की भिन्नता है। तो आप कॉलेज लेक्चर की अगर तैयारी करेंगे तो उसी में आपका नेट स्वतः ही क्लियर हो जाए जी। बिल्कुल, वैसे कॉलेज लेक्चर की कर रहे हैं तो नेट उनका वैसे हो चुका होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी है, नए अभ्यर्थी है जो दोनों को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल तो उनका साथ में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के उत्तर के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा है। अगला मेरा प्रश्न सर ये रहेगा कि आप किस तरह से पॉलिटी का अध्ययन करते थे, कि आपने नेट भी अच्छे से कर लिया, आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी 51वीं रैंक थी, आपकी कॉलेज व्याख्याता में भी 27वीं रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है ये, तो आपका पॉलिटी पढ़ने का क्या तरीका था सर?
सर, किसी भी विषय को पढ़ने का पहला सबसे तरीका तो ये है कि हमें उस विषय से प्रेम होना चाहिए, विषय में हमारी पूरी रुचि होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जी। दूसरा मेरा तरीका यही रहा कि मैंने जो किताबें अभी बताई है इनको क्रमिक ढंग से पढ़ा। जी। एक समय में एक किताब पढ़ी, पहले उसे अच्छे से दो बार पढ़ा, पूरा किया, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक। जी बिल्कुल। और किताबों को पढ़ने के दौरान जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, क्योंकि जब एग्जाम बिल्कुल सर पर होता है, पीक पॉइंट होता है, तो वहाँ किताबों को हम दोबारा नहीं पढ़ पाते, समय का अभाव रहता है। दोहराव के लिए रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों की सलाह है कि आप कम से कम 2 से 3 बार प्रत्येक बुक को पढ़ लें, और उसके बाद जो जटिल बिंदु आपको लगते हैं, जो अच्छे तथ्य हैं, जो परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण सामग्री है, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लें। नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हो और हाँ। बिल्कुल संक्षिप्त भी नहीं हो। औसत नोट्स आपने सर नोट्स बनाए थे। बिल्कुल। तो नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, उसमें कौन से बिंदु शामिल करें कि वो संक्षिप्त बने? आपके अकॉर्डिंग इन अभ्यर्थियों को कौन से बिंदु ही नोट्स में लिखने चाहिए? जैसे मैं सर एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करूंगा, थोड़ा क्लियर। जैसे मैंने प्लेटो की न्याय व्यवस्था के नोट्स बनाए, तो न्याय व्यवस्था के नोट्स में मुझे केवल इतना ही लिखना है कि प्लेटो ने आत्मा के 3 भाग माने हैं, समाज के 3 भाग माने हैं, और प्लेटो ये मानता है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप है, और इसलिए जो न्याय व्यक्ति की आत्मा में है वो ही समाज के अंदर दृष्टिगोचर होता है। तो इतना अगर मैंने लिख रखा है और उसका जो पूरा विस्तार है वो मैंने अच्छे से समझ रखा है, मतलब अवधारणा समझ रखी है, मूल बिंदु ये मैंने 4-5 लाइन लिख रखी है, तो इतना पढ़ते ही एग्जाम में मेरा काम बन जाएगा। मतलब ये है कि जितना संक्षिप्त हो सकता है उतना नोट्स को बनाना चाहिए। अच्छा, एक सामान्य अभ्यर्थी की हैसियत से एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि कोई नया अभ्यर्थी है और वो कॉलेज लेक्चरर, नेट, स्कूल व्याख्याता, इन सब के लिए पॉलिटिकल साइंस को तैयार करना चाहे और वो नियमित रूप से 4-5 घंटे देने में सक्षम हो, तो एक सामान्य अभ्यर्थी को कितना समय लग जाएगा उस विषय विशेष को तैयार करने में, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड? जी देखिए सर, ये प्रत्येक अभ्यर्थी की क्षमता पर डिपेंड है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी की क्षमता अलग होती है और पढ़ने का तरीका अलग, ग्रहण करने का। तो इसमें सामान्य बात अगर करें तो मुझे ये लगता है कि अगर 5 से 6 घंटे प्रतिदिन एक अभ्यर्थी तैयारी करता है तो लगभग 7 से 8 माह में पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, और 1-2 माह रिविजन के लिए अच्छे अगर, तो 8 से 10 माह के टाइम पीरियड में अगर इतना 8-10 महीने पढ़ लिया जाए तो कंटिन्यू भी बहुत जरूरी है, तो नेट, कॉलेज वगैरह सारे एग्जाम जो है वो हो सकते हैं। मतलब कि अभी कोई अगर स्नातकोत्तर या स्नातक में कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है और वो अभ्यर्थी राजनीति विज्ञान से ही अपना करियर बनाना चाह रहा हो, तो उस बच्चे के लिए 1 साल तक अगर इन पुस्तकों का सहारा लेकर निरंतर अध्ययन किया जाए तो उसका पॉलिटी जो है बहुत शानदार हो सकता है। अच्छा, और एक और सामान्य प्रश्न सर आता है कि विज्ञान, जिन्होंने स्नातक में विज्ञान था, उनका बीएससी किया था, और कई विद्यार्थी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएससी करने के बाद में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं मास्टरी के लिए, तो क्या साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस से ऐसा कोई डरने की कोई आवश्यकता है, या पॉलिटिकल साइंस साइंस वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा? सर, पहली चीज़ तो अभ्यर्थी की रुचि पर डिपेंड करती है, और साइंस से पॉलिटिकल साइंस में आने वालों के लिए निश्चित रूप से ये बात है कि उन्हें घबराने या डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राजनीति विज्ञान उन्हें, अगर विज्ञान उनके लिए माँ है तो राजनीति विज्ञान उनके लिए मौसी के समान है। ज़्यादा बिल्कुल तथ्यात्मक सब्जेक्ट नहीं है, अवधारणाएँ हैं, कंसेप्ट है, और सारी बातें समझने के लायक है। तो जैसे वो साइंस की स्टडी करते रहे हैं, बिल्कुल उन्हें उसी प्रकार का अध्ययन इसमें करना होगा। कुछ सब्जेक्ट के अंतर तो होते ही अपने अपने, लेकिन विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। मतलब राजनीति विज्ञान विज्ञान वालों के लिए इवन अच्छा, और अगर आपको कोई इस संबंध में जानकारी हो कि आपके साथ जितने भी विद्वान लोग अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, इनमें से भी साइंस के काफ़ी लोग, तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का अभ्यर्थी भी राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छा है। एक सामान्य चीज़ जो है और पूछी जाती है कई अभ्यर्थियों के द्वारा कि सर, राजनीति विज्ञान है, पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या हमें राजनीति विज्ञान से रिलेटेड कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए करनी चाहिए, क्या कोचिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी, इस मामले में आपका क्या मत है सर? सर, ये भी अभ्यर्थी की क्षमता पर और उसकी जो IQ लेवल है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मैंने स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की है, और मैंने ऑन सर्विस स्कूल जाते हुए तैयारी की है।
तो इसमें प्रारंभिक स्तर पर अगर अभ्यर्थी को ये लगता है कि अवधारणा एक क्लिष्ट है और समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ, तो वो कोचिंग ले सकता है, हाँ, किसी अच्छे टीचर से भी, जो पॉलिटिकल साइंस का अच्छा मास्टर हो, उससे भी वो पढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक बार शुरुआत के बाद अभ्यर्थी को सेल्फ स्टडी पर ही निर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी ही इस सब्जेक्ट में जो है वो अभ्यर्थी को सफलता, हाँ, मतलब जो जटिल अवधारणाएं हैं जी और जो एकदम से ऐसी चीजें हैं जो बच्चा आसानी से नहीं समझ सकता, उसको अच्छे शिक्षक से पढ़ा जाना चाहिए। बाकी सेल्फ स्टडी ही है एक माध्यम जो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि सेवा में रहते हुए मैंने ये सब कुछ हासिल किया है, तो यहाँ पे मेरा एक आपसे और सवाल बनता है सर कि सेवा में रहते हुए मेरे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी स्कूलों में पोस्टेड है या किसी अलग विभाग में पोस्टेड है, तो क्या सेवा में रहते हुए, चूंकि आपने किया है, मतलब संभव है करना, तो आपकी क्या रणनीति रहती थी कि आप स्कूल भी जाते थे और तैयारी भी करते थे, अगर इसके संबंध में कोई आइडिया दे सकते हो तो? जी, मैं मेरा अनुभव भी बताऊंगा। स्कूल लेक्चर की तैयारी और कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए मैंने टाइम टेबल निर्धारित कर लिया। जैसे स्कूल्स में दो टाइम होते हैं, एक सुबह का टाइम होता है, तो उस टाइम में दोपहर को रेस्ट करके और शाम को 5 से 6 घंटे प्रयास करता था, बीच में 1 घंटे का गैप रखता था ताकि थकान नहीं हो जी। और जो दोपहर का टाइम था 9:30 से 3:30 का, तो उसमें सर मैंने प्रयास ये किया, सुबह 5:30 से लेकर 8:30 तक 3 घंटे में पढ़ता था। फिर भोजन करके विद्यालय प्रस्थान, वापसी 4:00 बजे होती थी लगभग, उसके बाद घंटा भर रेस्ट ताकि दिन भर की जो थकान है मस्तिष्क की वो उतर जाए, और फिर शाम को फिर 3 से 3:30 घंटे जी। ये दोनों जो सुबह और शाम का टाइम था ये कंटिन्यूटी बनी रही और अच्छी सफलता मिली, और अंत में 1/2 घंटा मैं रिवीजन के लिए प्रतिदिन जो पढ़ता था उसको रिवाइज कर, मतलब पूरे दिन के कार्यक्रम को बड़ा व्यवस्थित तरीके से आपने सेट कर रखा था, और बिल्कुल समय की पाबंदियों का ध्यान में रखते हुए आपने पूरे समय को व्यवस्थित तरीके से काम किया, इसलिए आप व्यस्त भी महसूस नहीं हुए और व्यवस्थित रह के आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो आप करना चाहते थे। मतलब सेवा में रहते हुए भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस शर्तें हमारा जो टाइम टेबल है, दिन की जो दिनचर्या है, उसको हम व्यवस्थित तरीके से जिएंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ जो है वो संभव है। बहुत सारे प्रश्न जो थे मेरी तरफ से मैंने किए, और कुछ आप अगर अभ्यर्थियों को सर संदेश देना चाहो, पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को, तो आप निश्चित रूप से संदेश दीजिए, ताकि राजनीति विज्ञान का अभ्यर्थी जो वर्तमान में घबराया हुआ है कि पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि पिछले कई सालों से बड़े टफ पेपर आ रहे हैं, तो उनकी घबराहट दूर करने के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहो अभ्यर्थियों को सर। जी, अंत में अभ्यर्थी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करिए और बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप प्रश्नों को ध्यान से देखिए, पुराने पेपर जो हालिया वर्षों के हैं उनको आप देखिए कि परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, और उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपनी अध्ययन की पद्धति को भी थोड़ा सा बदलिए, तथ्यों को भी साथ में लीजिए, व्यवहारिक राजनीति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर हमारे देश में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको भी आप साथ में अच्छा तैयार करें, और टफ क्वेश्चंस आते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, टफ क्वेश्चंस है तो सभी के लिए टफ है, और इससे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को फायदा है, उनको चयन में आसानी रहेगी अगर वे अच्छी तैयारी करेंगे। जी। अच्छा सर, एक चलते चलते एक और बात, मैं मेरी तैयारी के दौरान जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ता था तो मंथली PRS की वेबसाइट है एक, जहाँ से संसद के अंदर जितने भी नए रूलिंग वगैरह जो एक्ट वगैरह संविधान संशोधन वगैरह होते हैं, तो मैं PRS की वेबसाइट पे जाता था और इवन आज भी जाता हूँ, और वहाँ से एक मंथली रिसर्च पेपर आता है, उस मंथली रिसर्च पेपर के अंदर आपकी महीने भर की संसद की सारी गतिविधियाँ होती है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आप बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहोगे कि संसद की जो गतिविधियां होती है मंथली, जो PRS की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, क्या वो पढ़नी चाहिए राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को? जी सर, निश्चित रूप से बदलते हुए इस पैटर्न के अंदर ये जो PRS वेबसाइट है, और इसके अंदर दोनों बातें हैं, जो रिसर्च पेपर है और इसके अलावा जो नए विधेयक उसके अंदर रखे जाते हैं, ये दोनों सर बहुत ज़रूरी है, चाहे राजनीति विज्ञान विषय के आधार पर कहें या सामान्य अध्ययन की, दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी सर, जो विभागीय वेबसाइट्स है, मैं अभ्यर्थियों को ये भी सलाह देना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस में जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी जो तथ्य और जो जानकारियाँ उनकी विभागीय वेबसाइट्स पर है, उसको भी अभ्यर्थियों को ये मेरी सलाह है कि आप अपनी नोट्स बुक में उनको अच्छे से नोट करें,
उनको अच्छा पढ़ते रहें, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल उनमें से आते हैं। मतलब डिजिटल माध्यम को भी अपनी पढ़ाई का हिस्सा बना बहुत बहुत कैलाश जी सर, आपने समय दिया, अभ्यर्थियों को मोटिवेट किया, और उम्मीद करता हूँ कि अभ्यर्थियों के सारे प्रश्नों के जवाब जो है आपने दे दिए हैं। और भी अभ्यर्थियों का कोई क्वेश्चन हो जो हमारे से निरुत्तरित रह गया हो तो आप यूट्यूब के हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाइए और प्रश्न कर देना आप, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जो है वो जल्द से जल्द हम समाधान करें। इसी वीडियो के अंदर आपको कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की एक लिस्ट भी दे दी जाएगी। धन्यवाद गणपत सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अभ्यर्थियों से रूबरू होने का अवसर दिया, आप लगातार अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित करते हैं। धन्यवाद सर, ये मेरा सौभाग्य। बाड़मेर के अभ्यर्थियों और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, और अभ्यर्थियों से भी अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम आपके मार्गदर्शन के लिए सदैव तैयार हैं। तनाव मुक्त होकर के अध्ययन करते रहिए और सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः धन्यवाद सर। अभ्यर्थियों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट हैं उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, अनुभवों का फ़ायदा मिल सके। और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा जोश, उत्साह और प्रेरणा मेरे को मिलेगी, और उसी प्रेरणा के कारण मैं ज़्यादा उत्साह के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हो पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, और अंत में यही कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बढ़ते रहिए।